अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में गुरुवार को पुलिस ने सुशांत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती को बांद्रा थाने बुलाया। पुलिस ने उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और बयान रिकॉर्ड किया। पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से यह जानने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। रिया चक्रवर्ती सुबह 11:30 बजे पुलिस थाने पहुंची। सुशांत के आत्महत्या से कुछ दिन पहले तक अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती उनके साथ ही घर पर रहती थी, इसलिए पुलिस उन्हें सुशांत की सबसे बड़ी राजदार मान रही है। इससे पहले पुलिस ने बुधवार को बॉलीवुड कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा का बयान दर्ज किया था, जो सुशांत के बेहद करीबी थे। पुलिस सुशांत के अवसादग्रस्त होने के पीछे के वजहों को समझने की कोशिश कर रही है। अभी तक पुलिस ने सुशांत के परिवार के सदस्यों समेत 10 से ज़्यादा लोगों का बयान दर्ज किया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की तहकीकात में मुंबई पुलिस को जल्द ही बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे अभिनेता के अवसादग्रस्त होने से लेकर तमाम तरह की जानकारियां सामने आ सकेंगी। मामले की जांच कर रही पुलिस को सुशांत के घर से 5 डायरियां मिली है, जिसमें सुशांत ने बहुत सारी बातें लिखी है। माना जा रहा है कि यही डायरी सुशांत की आत्महत्या का राज खोलेगी। फिलहाल इस डायरी में लिखी गई बातों का अध्ययन कर पुलिस आत्महत्या की वजह जानने की कोशिश कर रही है। उस डायरी में सुशांत किताबों में पढ़े गए महत्वपूर्ण कोट को लिखा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की मुख्य वजह डिप्रेशन माना जा रहा है, लेकिन सुशांत के हाथ से गई प्रोजेक्ट का मामला भी संगीन है, जिसे आत्महत्या की अहम वजह बताया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही पुलिस कुछ प्रोडक्शन हाउस के लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत ने 14 जून को बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। उनके पिता ने पुलिस को बताया कि वह और परिवार के अन्य सदस्य सुशांत के अवसाद के पीछे की वजह नहीं जानते। तो आखिर क्या कारण था जिसके कारण सुशांत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जैसे ही हमें कुछ पता चलता है, हम आप सबको ज़रूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।